और कोरोना के मामलों से देश को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। तीसरी लहर पर चिंता बढ़ाने वाली खबर नोएडा से है। नोएडा चाइल्ड पीजीआई में एक महीने बाद कोरोना का पहला केस सामने आया है। यहां एक 4 साल के कोरोना संक्रमित बच्चे को चाइल्ड पीजीआई में भर्ती किया गया है। इसके पहले पिछले एक महीने में कोई भी संक्रमित बच्चा पीजीआई में भर्ती नहीं हुआ। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। 47 एक्टिव केस के साथ गौतम बुद्ध नगर टॉप 10 में है। 2 जुलाई को यहाँ सिर्फ 22 एक्टिव केस ही बचे थे। एक्टिव केसों की संख्या 47 पहुंचने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर प्रदेश में 8वें नंबर पर है। जुलाई के बीते 12 दिनों में कोरोना के 65 नए केस सामने आए हैं। सिर्फ 10 दिनों में बढ़ते एक्टिव केस से तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।